वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका माह जनवरी 2020 का राशिफल के विषय में, कि ये माह आपके लिए क्या कह रहा है, क्या लेकर के आया है। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले हम आपको आपके जो 9 ग्रह हैं उनकी गोचर में वर्तमान में स्थिति कैसी है, अच्छी है, खराब है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे, जैसा कि हर बार देते हैं, क्योंकि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपका राशिफल हम तैयार करते हैं जिसकी चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो आइए आपको जानकारी देते हैं आपके ग्रह जो गोचर में हैं उनकी स्थिति के विषय में। तो आइए चर्चा करते हैं मित्रों सूर्य से। तो सूर्य जो कि अभी वर्तमान में धनु राशि में संचार कर रहे हैं, 14 जनवरी 2020 को ये अपनी मकर राशि जो इनकी शत्रु राशि है उसमें ये प्रवेश करेंगे। मंगल वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं जो इनकी मित्र राशि है, और पूरे माह ये अपनी इसी मित्र राशि में ही संचार करते रहने वाले हैं। बुध जो कि वर्तमान में धनु राशि में संचार कर रहे हैं, और ये 13 जनवरी 2020 को इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जो कि इनकी मित्र राशि ही है। 29 जनवरी को ये पश्चिम में उदय होंगे। 29 जनवरी को ये बुध की स्थिति है। गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार करते रहने वाले हैं पूरे माह तथा 10 जनवरी को ये मित्रों पूर्व में उदय होंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में संचार कर रहे हैं, उनका संचार चल रहा है मकर राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है, लेकिन 8 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, 24 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर इनकी युति जो है वो अपने शत्रु ग्रह सूर्य ग्रह के साथ तथा कुछ दिनों के लिए अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी बनेगी, और 30 जनवरी 2020 को ये पूर्व में उदय होंगे क्योंकि अभी ये वर्तमान में अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं धनु राशि में। तो ये थी स्थिति शनि ग्रह की। आते हैं राहु पर। राहु पूरे माह अपनी मित्र एवं उच्च राशि मिथुन में संचार करते रहेंगे मित्रों पूरे माह। केतु भी पूरे माह अपनी उच्च राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं। तो मित्रों यह था आपके 9 ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति जो आपको मैंने चर्चा की है जिसके विषय में बताया है जिसके विषय में आपको, और इसी के आधार पर 12 राशियों का राशिफल तैयार हुआ है जिसकी चर्चा अब आपसे करेंगे, और सर्वप्रथम आपके व्यवसाय के विषय में। तो मित्रों इस माह के आरंभ में कुंडली के एकादश भाव में पंचग्रही योग होने से एवं दशम भाव में पंच महापुरुष रोचक योग का निर्माण भी हो रहा है। रोचक योग बहुत विशेष योग है ये ज्योतिष शास्त्र में। इन योगों के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या व्यापार जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं आपके लिए यह माह हर प्रकार से उन्नतिदायक रहने वाला है। आपका अपना व्यवहार पूरे माह सभी के प्रति बहुत ही सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप सभी को विश्वास में लेकर कार्य करने में विश्वास करेंगे तथा कार्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ने में विश्वास करेंगे तथा ग्रहों का भी आपको पूरा सहयोग यहाँ पर बराबर प्राप्त होगा। जैसा कि हमने आपको आरंभ में ही बताया है कि पंच महापुरुष रोचक योग के कारण आप अपने विभाग में जो भी लोग आपके अधीन कार्यरत हैं उनका बहुत ही हिम्मत, विश्वास और चतुराई के साथ मार्गदर्शन करने वाले हैं आप इस माह। अगर आप व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, विशेषकर जो लोग प्रॉपर्टी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष सफलता प्राप्ति के योग हैं या उन्नति होगी उनकी, और मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों के लिए भी यह माह काफ़ी उन्नतिदायक सिद्ध होगा। इस समय का आप अपने व्यवसाय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं उठाएं, क्योंकि ग्रहों का ऐसा योग बहुत ही कम बनता है। आगे वित्तीय स्थिति की चर्चा करेंगे। इस माह आपके आर्थिक हालात बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, धन का आगमन पूर्ण रूप से रहने वाला है तथा धन का ठहराव भी आपके पास हो पाएगा, धन का विशेष रूप से संचय कर पाएंगे एवं अपने धन का विशेष निवेश भी किसी अच्छी जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि भूमि भवन आदि की खरीद फरोख्त में आपके द्वारा की जा सकती है इस प्रकार की खरीद फरोख्त। आपकी संपत्ति में वृद्धि होने के भी योग बने हुए हैं। प्रेम संबंध
इस माह के आरंभ से मध्य तक आपके प्रेम संबंधों के लिए ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। आप अपने इन संबंधों को और अधिक मजबूत कर पाएंगे अगर चाहेंगे, और इतना ही नहीं विवाह भी आप कर सकते हैं, वहां तक भी बात जा सकती है। मगर माह के जो मध्य हैं उसके उपरांत प्रेम संबंध तो आपके कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे, मगर विवाह आदि के लिए अगर आप प्रयासरत हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध बहुत ही मजबूती के साथ चलेंगे इस माह, और संतान, वैसे तो पूरे माह आपको ऐसा महसूस होता रहेगा मित्रों कि आपकी जो संतान है वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएगी या नहीं, ऐसा आप महसूस करेंगे, यानी कि कन्फ्यूज रहेंगे। इस माह तो बताना चाहेंगे कि माह के आरंभ से मध्य के बीच संतान संबंधित परिणाम सामान्य रूप से आपको प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन माह मध्य के उपरांत अचानक ही आपको अपनी संतान की ओर से उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम आशा के विपरीत प्राप्त होंगे, यानी बहुत ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी, यह आप कह सकते हैं। तो इसलिए महा मध्य के उपरांत आप अपनी संतान को थोड़ा सा उनका मोराल बूस्टअप करें, उनको प्रेरित करें उनकी शिक्षा के लिए, ताकि वो अपनी शिक्षा को गंभीरता से लें और उसमें गंभीरता से प्रयास करें ताकि परिणाम भी उनके अनुकूल प्राप्त हों। स्वास्थ्य, इस माह आपको अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव नजर आने वाला है। उपाय मित्रों, उपाय क्या करे जाएं कि जो ये थोड़ा बहुत संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जैसे, या कुछ और समस्याएं रहेंगी छोटी मोटी, उनसे आपका छुटकारा हो सके, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि इस माह मकर संक्रांति का विशेष पर्व है, और मकर संक्रांति के दिन अगर आप गुड़ और सफ़ेद तिलों से बनी मिठाई या लड्डू का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत विशेष लाभकारी रहेगा। साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करना ना भूलें, और शनिवार के दिन सरसों का तेल एक लोहे की कटोरी में डालकर तथा उसमें कुछ सिक्का डाल करके, पैसे डाल के, और काली उड़द की दाल लें साथ में, वो दान करें, और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का संध्या उपरांत, संध्या के समय दीपक जलाएं, माथा टेकें, और ओम गं गणपतये नमः मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करें, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो मित्रों, यह आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल की चर्चा थी। आपको ये राशिफल पसंद आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं आगामी कार्यक्रमों के, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।